सुप्रभात क्लास 6 के छात्रों, मैं आज आपको हिंदी भाषा सेतु पाठ 9 मैं जुल्लाहा पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ एक जुल्लाहे की आत्मकथा है। जुल्लाहा कहता है, मैं आदिकाल से मानव की सेवा में लगा हूँ, बल्कि जब इंसान ने खेती करना नहीं सीखा था तब भी मैं जंगली पौधों से कपास चुनकर धागे तैयार करता था और वस्त्र बुनता था। मैंने मानव जाति का तन ढका है, उसे धूप और सर्दी से बचाया है, परंतु आज मेरे साथ भारी अन्याय हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के लग जाने से मेरा व्यवसाय नष्ट हो गया। कोई मेरी ओर झांकता नहीं। भला हो गांधी जी का जिन्होंने खादी की वकालत की। खादी न होती तो मैं बिल्कुल नष्ट हो गया होता। बताइए, कबीर जैसे महान संत का निर्वाह जिस व्यवसाय से हुआ वह आज कितना उपेक्षित है। यह पाठ लघु उद्योगों और हस्तशिल्प की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। जुल्लाहा अपनी आत्मकथा में कहता है, मैं जुल्लाहा हूँ, मुझे लोग कोरी, बुनकर और तंतुवाय भी कहते हैं। मेरी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना यह संसार। लो, मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। विधाता हमारी बिरादरी का सबसे पहला पूर्वज है। कहते हैं कि विधाता सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी सफ़ेद वस्त्र बुनता रहता है और अंधकार से रात्रि का काला वस्त्र। इससे सिद्ध हो गया कि वही हमारा पूर्वज है। ये हम ही थे जिन्होंने मानव जाति को सर्वप्रथम वस्त्र प्रदान कर उन्हें सभ्यता की दीक्षा दी। जब विश्व के लोग नग्न अवस्था में वनों और पर्वतों की खाक छाना करते थे और उन्हें खेती बाड़ी तक करना नहीं आता था, तब हम ही ने ऊन से, जंगली कपास से तथा तंतुओं वाली अन्य वस्तुओं से वस्त्र तैयार किया और लोगों की नग्नता दूर की। आपने मनु महाराज का नाम तो सुना होगा। उन्होंने हमारे वस्त्रों की प्रशंसा करते हुए कहा है, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हैं तो गृहिणियों को सदा वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया करें। वेदों में भी हमारे बुने हुए वस्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि वस्त्र सौंदर्य, स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि में सहयोगी होते हैं। हमारे महत्व का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा इतिहास अत्यंत प्राचीन है। अब आप पूछेंगे, हमने वस्त्र बुनना सीखा किससे? यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। लटकी हो, इनकी बुनाई की कला को देखकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बया पक्षी हमें बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु अवश्य रहा होगा। हम लोग ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों को बुनकर न जाने कितने वर्षों से लोगों पर उपकार करते चले आ रहे हैं। इस परोपकार में हमें सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। हमारे बुने हुए कालीन, दरियां, साल दुसाले भारत के व्यवसाय को चार चांद लगा रहे हैं। आपने ढाका की मलमल के विषय में तो सुना ही होगा। इसका पूरा थान एक अंगूठी के बीच से
निकल जाता था। हमारा कर्म बहुत ही पवित्र है। दूसरों के तन को ढककर उसकी लाज बचाना, सर्दी गर्मी की मार से लोगों के शरीर की रक्षा करना तथा शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करना और परिश्रम करके ईमानदारी से अपनी जीविका कमाना, यह पवित्र कर्म नहीं है तो और कौन सा कर्म पवित्र हो सकता है? आपने महात्मा कबीर का नाम तो सुना ही होगा, उनके दोहे और पद भी आपने पढ़े होंगे। कितना ज्ञान और रहस्य भरा पड़ा है उनमें। संत कबीर जुल्लाहा ही तो थे, वे कपड़ा बुनते जाते थे और दोहे सुनाते जाते थे। अनपढ़ होते हुए भी कितना सम्मान था समाज में उनका, कितना ऊंचा था उनका व्यक्तित्व, कितने निर्भीक थे वे, कितने ईश्वर भक्त थे, यह सभी जानते हैं। उनका कहना था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे का अर्थ यह है कि सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति की जात नहीं पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान पूछ लेना चाहिए या तो ज्ञान की बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही जीवन के संघर्ष की बुराइयों को जीता जा सकता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस प्रकार म्यान में रखी तलवार से बड़े बड़े युद्ध जीते जाते थे या तो जीते जाते हैं, इसी प्रकार गुरु के अंदर जो ज्ञान होता है म्यान में रखी तलवार के समान होता है, जो मानव जीवन की समस्त बुराइयों को नष्ट करने में सक्षम होता है। धन्य है महात्मा गांधी जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमें जीवन दान दिया। उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का विशेष प्रचार किया। हम डूबतों को तिनके का सहारा मिल गया। आज खादी पहनना गर्व का विषय माना जाता है। अब खादी आधुनिकता और फैशन का पर्याय बन चुकी है। विदेशों में खादी खूब पसंद की जाती है। अब तो हम पॉलिएस्टर के मिश्रण से पॉली खादी बना रहे हैं। हमने भी समय की रफ्तार के अनुसार चलना सीख लिया है। यद्यपि मशीनों पर वस्त्र धड़ाधड़ बुने जा रहे हैं, पर हमारे बुने वस्त्रों की अपनी ही विशेषताएं हैं। हथकरघों पर बुने वस्त्र विश्व भर में तहलका मचा रहे हैं। भाइयों, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आकर हमारे करघे को देखिए, कितना सादा सा है हमारा हथकरघा और हमारे औजार भी सीधे सादे हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको भी बुनने की कला सिखा देंगे। ये शब्द भंडार है जो कि आपको सभी लोगों को लिखना है अपनी नोटबुक में। तंतुआय जुल्लाहा, विधाता ईश्वर, वस्त्र कपड़ा, तंतुओं रेशों, गृहिणी पत्नी, सम्मान आदर, भूरी भूरी प्रशंसा, बहुत अधिक तारीफ, सौंदर्य सुंदरता, स्वास्थ्य सेहत, वृद्धि बढ़ोतरी, प्राचीन पुराना, अवश्य जरूर, दत्तचित्त ध्यान लगाकर, दुर्भाग्य बदकिस्मती, प्रोत्साहित किया बढ़ावा दिया, मिश्रण मिलावट, निमंत्रण न्योता, मुहावरे लोकोक्ति, चार चांद लगा देना, शोभा बढ़ा देना, डूबते को तिनका सहारा, मुसीबत में थोड़ी सी सहायता महत्वपूर्ण, भूरी भूरी प्रशंसा करना, बहुत अधिक प्रशंसा, बहुत अधिक तारीफ,
बोध विचार, बोध और विचार, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। जुल्लाहा को लोग और क्या कहते हैं? कोरी, बुनकर, तंतुवाय, उपरोक्त सभी होगा आंसर इसका। वस्त्रों की प्रशंसा कहाँ कहाँ मिलती है? वेदों में, मनुस्मृति में, रामायण में, उपरोक्त सभी होगा इसका। बुनकरी के लिहाजे से उल्लेखनीय जीव है बया, मकड़ी, क और ख दोनों। कहाँ की? मलमल के कपड़े की पूरी थान, एक अंगूठी से निकल जाती थी, ढाका। किसके शासन में बुनकरों का पतन हुआ? अब मैं लघुत्तरीय प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला है, यह पाठ किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथा शैली। सेकेंड क्वेश्चन है, जुल्लाहे को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? उत्तर लिखेंगे, जुल्लाहे को लोग कोरी, बुनकर और तंतुवाय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जुल्लाहे किसे अपना पूर्वज मानते हैं? उत्तर लिखेंगे, जुल्लाहे विधाता को अपना पूर्वज मानते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य किस दशा में रहता था? उत्तर, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य नग्न दशा में रहता था। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में जुल्लाहे के महत्व को किस रूप में स्वीकार किया गया है? उत्तर लिखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में जुल्लाहे के महत्व को गृहस्थ जीवन की सुख शांति के रूप में स्वीकार किया गया है। छठा प्रश्न है, ढाका के मलमल की क्या विशेषता थी? उत्तर लिखेंगे, ढाके की मलमल का पूरा थान एक अंगूठी के बीच से निकल सकता था। सातवां प्रश्न है, जुल्लाहे का कर्म पवित्र किस प्रकार है, स्पष्ट करो। उत्तर लिखेंगे, दूसरों के तन को ढककर उसकी लाज बचाना, सर्दी गर्मी की मार से लोगों के शरीर की रक्षा करना, तथा शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करना, और परिश्रम करके ईमानदारी से अपनी जीविका कमाना। यह पवित्र कर्म नहीं है तो और कौन सा कर्म पवित्र हो सकता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, महात्मा कबीर के विषय में 5 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर लिखेंगे, संत कबीर जुलाहे थे, वे कपड़ा बुनते जाते थे और दोहे सुनाते जाते थे, अनपढ़ होते हुए भी कितना सम्मान था समाज में उनका, कितना ऊंचा था उनका व्यक्तित्व, कितने निर्भीक थे वे, कितने ईश्वर भक्त थे, यह सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाहों का दुर्भाग्य कब और कैसे जागा? उत्तर लिखेंगे, आपको सीधा सीधा लिखना है, लाइन बिल्कुल सीधी लिखना है, जुलाहों का दुर्भाग्य तब जागा जब अंग्रेजी शासन ने मशीनी वस्त्रों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया तथा उन पर कई प्रकार के कर लगा दिए और अत्याचार ढाने प्रारंभ कर दिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने जुलाहों के हित के लिए क्या कार्य किया? उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन चलाकर जुलाहों को जीवन दान दिया। उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है, बया के घोंसले की कुछ विशेषताएं बताइए। उत्तर लिखेंगे, बया पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों से आकृति के घोंसले बुनते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्टी बोतलें लटकी हों। इनकी बुनाई की कला को देखकर
कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। पांचवा प्रश्न है, मनु के संबंध में जुलाहा क्या कहना चाहता है? उत्तर लिखेंगे, मनु के संबंध में जुलाहा यह कहना चाहता है कि मनु महाराज भी हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वस्त्रों से खुश थे। जुलाहे के अनुसार मनु महाराज यह भी मानते थे कि गृहस्थ जीवन में जुलाहों द्वारा बनाए गए कपड़े का बड़ा महत्व होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन कौन ऐसे प्राणी बुनने की कला का सुंदर प्रदर्शन करते हैं? उत्तर, प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो निरंतर बुनने की क्रिया में संलग्न रहते हैं, जैसे मकड़ी, बया, कबूतर आदि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जुलाहों ने लोगों की नग्नता को दूर किया। वेदों में भी जुलाहों की वस्त्रों की प्रशंसा की गई है। वया पक्षी बुनने की कला की प्रेरणा देने में जुलाहों का गुरु रहा हो। संत कबीर जुलाहे ही तो थे। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया।